आखिर गुटखा किंग की मौत पर बेटियों के डांस का रहस्य क्या है? आखिर अपने पिता की मौत पर बेटियों ने क्यों मनाया जश्न? आमतौर पर किसी अपने की मौत पर परिजन खूब रोते भी लगते हैं, लेकिन नोएडा में एक शख्स की मौत पर परिजन मातम की जगह जश्न मनाते नजर आए। इतना ही नहीं, इस शख्स की अंतिम यात्रा में ढोल नगाड़े बैंड बाजे के धुन पर थिरकती लड़कियों को देखकर ऐसा लगा मानो किसी की बारात निकल रही हो। इसे देखने के लिए सड़कों के दोनों ओर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। बाद में जब लोगों ने करीब जाकर देखा कि चार लड़कियों के कंधों पर किसी की अर्थी जा रही है तो सभी हैरान रह गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नोएडा के गुटखा किंग हरि भाई लालवानी की, जिनकी बेटियां अपने ही पिता की अंतिम यात्रा में डांस करती नजर आईं। ऐसा भी नहीं है कि गुटखा किंग की ये बेटियां वास्तव में अपने पिता के निधन से खुश थीं, बल्कि वो तो उनकी अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए ऐसा कर रही थीं। दरअसल गुटखा किंग हरि भाई लालवानी की इच्छा थी कि जब वो दुनिया को अलविदा कहें तो उनकी अंतिम यात्रा को उत्सव के तौर पर मनाया जाए। यही वजह थी कि उनकी अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए उनकी पत्नी और चारों बेटियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने पिता की अर्थी को कंधा देने के साथ साथ बेटियों ने हरि भाई को मुखाग्नि भी दी। आपको बता दें कि नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरि भाई लालवानी का 9 नवंबर को निधन हो गया था। लालवानी को ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद नोएडा के ही एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका निधन हो गया। हरि भाई का कोई बेटा नहीं था। अपनी चारों बेटियों को उन्होंने बेटों की तरह ही पाला। उनकी बेटियों ने भी बेटे का फर्ज निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ी और बेटे का फर्ज निभाकर एक नई मिसाल कायम की। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।